कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए क्या करता है। वो हमें धर्मी बनाता है, हमें पवित्र बनाता है, हमें माफ करता है, परमेश्वर के साथ मिलाता है। ये एक वाचा का लहू है, परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधता है, मेरे लिए दया को मांगता है। परमेश्वर का लहू, हाबिल का लहू अपने लिए न्याय मांग रहा था, लेकिन जीसस क्राइस्ट का लहू जब बहा, वो मेरे लिए दया को मांग रहे कि इन लोगों के ऊपर दया कर, क्योंकि मैं इनके लिए बहा हूँ। यीशु का लहू कहता है कि मैं बहा हूँ, इन लोगों के ऊपर दया कर, तो वो हमेशा हमारे लिए दया को मांग रहा है। जीसस क्राइस्ट का जो लहू था वो किस किस जगह से परमेश्वर से बहा और उसका रीजन क्या था। लूका 22 उसकी 32 से 34, मत्ती 26 की 28 आयत, यूहन्ना 19 उसकी 34 और यशाया 50 उसकी 6 आयत। पहला लहू जो परमेश्वर के बदन से बहा वो था उसके माथे का लहू, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि जब वो गतसमनी बाग में था तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर जब बहुत ही इंटेंस प्रेयर कर रहे थे, वो प्रेयर इतनी इंटेंस थी और इतनी ज़्यादा कठिन थी और इतनी ज़्यादा उसमें वो सम्मिलित हो गए थे कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के ब्लड वेसल से उसकी जो नाड़ियाँ थी उसमें से लहू निकलकर उसके पसीने के साथ मिलकर माथे से टपक रहा था। वो पहला लहू था जो परमेश्वर ने बहाया था। माथे से जो लहू बहा उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि इंसान जो था, आदम जो था, अपनी इच्छा को, अपनी विल को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं कर पाया, इसलिए उसने शैतान के सामने घुटने टेक दिए थे और उसकी पत्नी ने वो फल खाया जो वर्जित था और उसके बाद अपने पति को खाने के लिए भी बोला। और जब शैतान ने इंसान को गिरा दिया और उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने नहीं बल्कि शैतान के सामने समर्पित कर दिया, इसलिए जब उस माथे से परमेश्वर का ब्लड निकला तो वो इसलिए था कि जब इस ब्लड के ऊपर विश्वास किया जाएगा तो इंसान अपनी इच्छा को परमेश्वर को सौंप देगा और परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाएगा और शैतान का उसके ऊपर से सारा अधिकार मिट जाएगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं कि वो अपनी विल को परमेश्वर के सामने रख देगा। दूसरा लहू जो परमेश्वर के फेस से निकला, यशाया 50 उसकी 6 आयत में लिखा है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ, गलमोच नोचने वालों को यानी दाढ़ी नोचने वालों को अपने गाल दिए, अपमानित होने और थूकने से मैंने अपना मुंह नहीं छुपाया। जो दूसरा लहू परमेश्वर के बॉडी से निकला वो था कि जब परमेश्वर को थप्पड़ मारे जा रहे थे, जब परमेश्वर को लेके गए और उसके गाल नोचे जा रहे थे और उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी, जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था तो वो ह्यूमिलेट हो रहा था, वो बेइज्जत हो रहा था, उसकी रेपुटेशन को खराब किया जा रहा था। और जब आप उस लहू के ऊपर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर के गालों से बहा, तो आप फिर यह भी बिलीव करते हैं जो उसके फेस से बहा, फिर आप यह भी बिलीव करते हैं कि वो आपकी खोई हुई रेपुटेशन को वापस कर देगा। आपकी कर्जे ने रेपुटेशन खराब कर दी, आपकी पास्ट लाइफ ने आपकी रेपुटेशन खराब कर दी, आपका नाम खराब कर दिया, आपको बेइज्जत हुआ, आपकी लाइफ में बेइज्जती ही बेइज्जती रही, रिजेक्शन ही रिजेक्शन रही। जब आप जीसस क्राइस्ट के उस सीन को याद करेंगे जो यशाया 50 के 6 में लिखा है कि अपमानित होने और थूकने से उसने अपना मुंह नहीं छुपाया और गाल नोचने वालों को उसने अपने गाल दिए, ये आप लोगों के लिए था। जीसस क्राइस्ट चाहते तो एक मौत ले सकते थे, कोई आता कि यीशु मसीह के जोर से उसके पेट में तलवार को मारता और यीशु मसीह को मार देता, लेकिन यीशु मसीह का जो लहू बहा था उसका कारण था, वो माथे से बहा उसका कारण था, वो गालों से बहा उसका कारण था। बाइबल कहती है जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था तो वचन ये कहता है कि जब दाढ़ी की बात बाइबल में आती है तो प्रीस्टहुड की बात आती है, तो याजक की बात आती है, ग्लोरी की बात आती है, तो परमेश्वर इज्जत की बात आती है। इसलिए जब दाऊद ने अपने लोगों को भेजा था कि जाकर फलाने राजे से उसका हालचाल पूछ के आओ क्योंकि उसके घर में कोई दुर्घटना हो गई थी,
तो लेकिन उसके लोगों ने चुगली की, कहता नहीं नहीं ये दुर्घटना लेने के लिए नहीं आए, ये तो भेद लेने के लिए आए हैं। तो लिखा उनकी आधी आधी दाढ़ी कटवाकर, उनके कपड़े आधे आधे कटाकर, उनको आधा नंगा करके वापस भेज दिया था। दाढ़ी का कटना मतलब कि जब वो उसको आधा छीलते थे तो उसका मतलब बेइज्जती होता था, और जब बियर्ड का मतलब होता है ग्लोरी, कि आपकी लाइफ की ग्लोरी खत्म कर दी शैतान ने, रेपुटेशन खत्म कर दी, आपकी पास की लाइफ की गलतियों ने आपका नाम खराब किया हुआ है। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि यीशु मसीह का लहू जो उसकी दाढ़ी नोचने पर निकला था, यीशु मसीह का लहू जो उसके गाल नोचने पर निकला था, आज मैं उस लहू को ले रहा हूं, मेरी सारी बैड रेपुटेशन खत्म हो चुकी है। अगर आप ये मान के लेंगे आज, मैंने कहा इन जीसस नेम, आपकी इज्जत पीएम से भी ज्यादा होगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप बिलीव करेंगे तो। इसलिए आज जब घोषणाएं होंगी, जब ये वचन आप सुन लेंगे, उसके बाद जब घोषणाएं होंगी, आपको मालूम होगा कि मुझे किस घोषणा के नीचे इस लहू को लेना है। मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, जब मैं घोषणा करूंगा आप उस लहू को लेंगे, और आप देखेंगे कि उस एरिया में आपको छुटकारा मिला है। आपकी रेपुटेशन खराब है, वो सही हो जाएगा। आपका नाम खराब है, वो सही हो जाएगा। आपको चिंता रहती है, आप अपनी मर्जी को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं कर पाते, आपको स्ट्रेस रहता है, आप जीसस क्राइस्ट के उस लहू को याद कीजिए जो उसके माथे से निकला था। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। यीशु मसीह का वचन कहता है यशाया 53 उसकी 5 आयत में कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। एक लहू तब निकला जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे उसके माथे से, एक लहू तब निकला जब उसके गाल नोचे गए, उसकी दाढ़ी पटी गई, और एक लहू तब निकला जब यीशु मसीह के कोड़े मारे गए। और बाइबल कहती है जो लहू कोड़ों से निकला वो तुम्हारी चंगाई के लिए था, जो लहू माथे से निकला वो किसी और मकसद के लिए था, जो लहू दाढ़ी से निकला वो किसी और मकसद के लिए था। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। क्योंकि दाढ़ी आपको प्रीस्टहुड को भी, याजकपन को भी दर्शाती है। क्या करते थे याजक? याजक परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते थे और परमेश्वर की सेवकाई करते थे। आज जिन लोगों की लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस खत्म हो चुकी है और वो परमेश्वर को मिनिस्टर नहीं कर पाते, परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर पाते, उसके सामने प्रार्थना नहीं कर पाते, अपने जीवन को बिता नहीं पाते, जब हम परमेश्वर की दाढ़ी से निकले हुए ब्लड को आज अंगीकार करके लेंगे, आप फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने पाएंगे, आप फिर से सेवकाई करने पाएंगे, फिर से वो लूटी हुई, वो फिर से जो मरी हुई ग्लोरी शैतान ने कर दी थी, परमेश्वर उस ग्लोरी को रिस्टोर कर देगा आपकी लाइफ में। आपके बच्चों ने आपका नाम खराब हो सकता कर दिया हो, आपकी बेटी ने, आपके बेटे ने कर दिया हो, लेकिन बाइबल कहती यीशु मसीह का लहू उस लॉस्ट रेपुटेशन को फिर से वापिस करता है। जब आप परमेश्वर के ब्लड को पुकारेंगे कि खुदावन तेरा वो लहू जो तेरे गालों से निकला और दाढ़ी से निकला, जिसने मेरी रेपुटेशन के लिए निकला, आज मैं उस लहू को लेता हूं, आप देखेंगे क्या होता है। चाहे आपके बच्चे को परमेश्वर को चेंज करना पड़े, चाहे आपकी बेटी को चेंज करना पड़े, आपके पति के दिमाग को बदलना पड़े, वो करेगा और आपकी रेपुटेशन को सेम नहीं रखेगा। आज से लाइफ चेंज नहीं है, तुम ऑलरेडी बदल चुके हो ब्लेसिंग के नीचे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शायद 53 उसकी 5 में लिखा है, इसलिए उसी कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से भी ब्लड निकला, जो ब्लड उसके कोड़ों से निकला वो हमारी हीलिंग के लिए था। वो हीलिंग जो मुझे मिली, वो हीलिंग जो जलंधर के सबसे पहले पहले डॉक्टर्स भी नहीं कर पाए थे, जलंधर के सबसे ओल्ड डॉक्टर्स नाम है जिनका, पॉसिबल नहीं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। फिर एक ब्लड निकला परमेश्वर के कांटों के ताज से, परमेश्वर के जब कांटों का ताज जला गया तो बाइबल कहती है उसमें से ब्लड निकला। क्यों निकला कांटों का ताज? क्योंकि वो कांटों का ताज आपके लिए और मेरे लिए था। ताज जला जाता है राजा को, ताज डाला जाता है जब एक राजे की राजपोशी की जाती है, जब एक राजा जीतता है ताज उसको डाला जाता है। वो ताज अपने लिए तो वो ये सोच के डाल रहे थे कि हम यीशु मसीह की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ये ताज को इस तरह से ले रहा था कि मैं जीत रहा हूं शैतान के किंगडम के खिलाफ, और जो कोई व्यक्ति इस
कांटों के ताज के बहे हुए लहू पर विश्वास करेगा, वो शैतान के राज्य के ऊपर जीत प्राप्त करेगा। उसके घराने के ऊपर शैतान का कभी राज ना होगा, जादू टोने का कभी भी राज ना होगा, उसके मन पे, उसके दिमाग पे, उसके बच्चों पे शैतान कभी राज ना करने पाएगा। ये वो लहू था जो परमेश्वर के थ्रोन से, ये परमेश्वर के जो कांटों का ताज था उससे बहा था, परमेश्वर का लहू उससे बहा, ताकि हमारा माइंड जो है वो परमेश्वर के जैसा हो जाए। हालेलुया, ऊंची आवाज़ में बोलो हालेलुया। फिर एक लहू बहा परमेश्वर के हाथों से। बाइबल कहती इंसान के काम गंदगी से भरे हुए थे, जब जीसस क्राइस्ट के हाथों के ऊपर वो नेल्स, वो कील मारे गए तो फिर ब्लड निकला, क्योंकि कोई भी इंसान धर्म के काम नहीं कर पा रहा था, परमेश्वर से दूर था। उस नेल से, उस कीलों से बहे हुए लहू से आज हम फिर परमेश्वर में चल सकते हैं और काम कर सकते हैं। जो लहू परमेश्वर के पांव से बहा आज हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। जब हम उसके हाथों के कीलों के से बहा हुआ लहू और उसके पांव से बहे हुए लहू पर विश्वास करते हैं, हमारी चाल सीधी हो जाती है। मान लीजिए आप जब घर जाते हैं, शैतान आप पर अटैक करता है, आपकी सोच के ऊपर अटैक करता है, आप चलते, आप चाहते हुए भी सीधा नहीं चल पाते। आज जब मैं घोषणा करूंगा यीशु मसीह का लहू जो पैरों से निकला और आप उसे रिसीव करेंगे, आप महसूस करेंगे कि जब आप घर में गए हैं, पवित्रताई में चलना आपके लिए इजी हो रहा है, सांसारिक फीलिंग से निकलना आपके लिए आसान हो रहा है। और आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो फिर से। आमीन। एक लहू निकला परमेश्वर के बर्छी से, जो बर्छी मारी गई थी परमेश्वर के हार्ट को, परमेश्वर के जो बर्छी मारी गई परमेश्वर के दिल तक पहुंच गई थी, इसलिए लिखा उसमें से लहू और पानी निकला था। जब उस लहू को आप देखते हैं जो परमेश्वर के हार्ट से निकला था, और वो भी एक सोल्जर ने उसको मारा था, उसी से हमें परमेश्वर का जो हार्ट था कंपैशन से भरा हुआ, वो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले परमेश्वर का वो कंपैशन और दया से भरा हुआ दिल कभी प्रकट नहीं हुआ था। वो मिरेकल के रूप में प्रकट हुआ था, वो दया करता था, लेकिन जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो दया वाला एक 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 कहते हैं ना, एक साइड परमेश्वर की नजर आई, वो पहले कभी भी नजर नहीं आए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।